किस तन्मयता के साथ, किस श्रद्धा भाव के साथ लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। एक अभिनव प्रयोग है, मुझे लगता है कि पूरे पंचकोशी की परिक्रमा काशी के रिंग रोड के हमारे पूर्वजों की परिकल्पना को साकार करता है, और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण की कार्य योजना को सरकार ने अपने हाथों में लिया है, और इसके लिए 101 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। इस पर कार्य बहुत तेज होने जा रहा है। यानी विकास की प्रक्रिया किस रूप में आगे बढ़ सकती है, यहां पर स्थित जो 5 पड़ाव हैं उन पड़ावों का विकास भी होगा, बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी श्रद्धालु को न हो, इसके बारे में भी जहां पूरी तैयारी की जा रही है। मैंने विशेष रूप से प्रशासन से इस बारे में भी कहा है कि जहां पर हाईवे है या जहां पर बाईपास मिल रहा है, वहां पर क्योंकि यात्रा के दौरान बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन होते हैं, तो श्रद्धालुजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, कैसे वहां पर हम व्यवस्था दे सकते हैं, अंडरपास दे करके या वहां पर किसी भी प्रकार से विघ्न आए बगैर यात्रा अनवरत चले, इस पर क्या व्यवस्था हो सकती है, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। भाइयों बहनों, पिछले 4 वर्ष के दौरान काशी के अंदर विकास एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। पूरे देश के अंदर भी अभियान एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे आया है। आज भारत दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ दुनिया की एक उभरती हुई ताकत के रूप में दुनिया के सामने आया है, और इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है, इस देश के नेतृत्व को दिया जा सकता है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिनके कारण दुनिया के अंदर जहां कहीं भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उनके प्रति उभरती हुई श्रद्धा, उनके प्रति उभरता